गुड इवनिंग एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन ट्राई करिए आप लोग, पहला क्वेश्चन ट्राई करिएगा। आंसर करिए, मैंग सी सी कोई तोमर जी का आंसर राइट है। बहुत ज्यादा बाहर आवाज है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, है ना? आवाज बाहर से क्या कह रहे हैं सर? दोबारा से रिपीट कर दिया, अभी कनेक्ट हुआ है ना? बाहर की आवाज, बैकग्राउंड की आवाज ज्यादा आ रही है ना? नहीं सर, कोई आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, कोई आवाज नहीं आ रही। देखिए चलिए, देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, हम लोग क्या देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी डी, ये देखिए पांच जो है आपके फाइव कॉन्सेक्यूटिव क्या है, ऑड नंबर्स हैं। वो कह रहा है उनका एवरेज क्या होगा। आप जानते हो कि जो ऑड कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर होते हैं, तो आप जो उनका एवरेज होता कौन सा होता है, मिडिल वैल्यू होती है, आप जानते हो ना? ऐसे मान लेगा यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है ए, देखो ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये ई है। आप हमको बताइए कि एवरेज क्या होगा, यही वैल्यू होगी नहीं, जरा बताइए मिडिल वैल्यू। ये आपका एवरेज क्योंकि कंसेक्यूटिव है, लगातार है। अच्छा हमको आप ये बताइए, अगर फर्स्ट नंबर, अगर आपका फर्स्ट नंबर ए है तो बी क्या होगा? क्योंकि ऑड नंबर है तो गैप कितने का होगा? गैप होगा ना। अगर मैं बी को ए के टर्म्स में लिखूं तो क्या लिखूंगा, जरा बताइएगा? ए प्लस टू को क्या लिखूंगा अगर ए के टर्म्स में लिखा जाए तो? ए प्लस फोर। यही आपका एवरेज है, आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आप देखिए फाइव कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स था, आप जानते हो कि बीच की वैल्यू एवरेज होगी। ऑड नंबर है, अगर मैं फर्स्ट नंबर ए मानता हूँ तो जो बी होगा वो ए के टर्म्स में क्या होगा? ए प्लस टू। सी क्या होगा? ए प्लस फोर। और सी आपका एवरेज है, यानी कि जो एवरेज होगा इन ए बी सी डी ई का वो ए प्लस फोर होगा। किसी का राइट आंसर था कि नहीं, जरा बताइए? किन किन लोगों का नहीं, बहुत से, मैक्सिमम लोगों का ये आंसर गलत है, बहुत से लोगों का गलत है। मुझे लगता है एक दो लोग सही किए हैं, एक रमेंद्र सिंह है, बाकी तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों का गलत है। तो डी फिर ए प्लस सिक्स होगा। हाँ क्या, हाँ डी ए प्लस सिक्स होगा, बिल्कुल राइट। तो ये क्वेश्चन आपका टफ नहीं था, बेसिक क्वेश्चन था सर, फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या कह रहे हैं आप सर, फिर से रिपीट कर दीजिए? रिपीट कर दे रहा हूँ। ए बी सी डी ई पांच जो है, फाइव आपके कॉन्सेक्यूटिव जो है ऑड नंबर्स थे, करे इनका एवरेज बताइए। कौन मतलब? मैंने आपसे कहा कि जो एवरेज होगा वो बीच की वैल्यू होगी, यानी सी आपका एवरेज होगा। अब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, आप ऑप्शन खुद देखिए। तो मैंने कहा अगर फर्स्ट नंबर, अगर फर्स्ट नंबर आपका ए है। सर सबको म्यूट करवा दीजिए सर। हाँ मैं कर दे रहा हूँ म्यूट ऑल। चलिए ठीक है, देखो अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर ए बी सी डी ई पांच जो है कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर है तो सी जो होगा आपका एवरेज होगा। ये चीज आपको समझ में आ रही, मिडिल वैल्यू होती है एवरेज। फर्स्ट नंबर अगर आपका ए है तो बी जो होगा ए के टर्म्स में अगर लिखा जाए तो बी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस टू। क्योंकि दो दो का गैप होता है ऑड नंबर में, क्या होता है कि दो दो का गैप होगा। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो टू टू ऐड करते चले जाओगे, तो ये जो बी होगी ए प्लस टू होगी, सी क्या होगी ए प्लस फोर होगी, इसी तरीके से डी क्या होगा ए प्लस सिक्स होगा, और ये आपका ए प्लस एट हो जाएगा। तो सी एवरेज पूछा था, एवरेज है कौन सा नंबर? सी है, और सी की वैल्यू क्या है? ए प्लस फोर। मुझे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर अगर होता ए बी सी डी ई एफ होता तब क्या करते हैं? छह कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स ऑड, अगर छह कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स होते तब क्या करते हैं? तब उसने कोई कुछ ना कुछ नंबर दिया होता था, फिर हम निकालना पड़ता है ना। अच्छा सर ठीक है, तब उसने हमको कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होती, हमारा काम क्या, तब भी हम निकाल सकते थे।
इसे सिक्स होता ना, तब अब क्या करते कि देखिए दो इधर जाता टू उधर जाता, जो बीच की दो वैल्यू होती उनको ऐड करके हाफ कर देते। अच्छा ठीक है ठीक है ना, और ये के टर्म्स में सारे वैल्यू लिख लेते है ना, तो आ गया होगा। ठीक है सर। ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताइएगा। तो देखिए आज मैंने जो क्वेश्चन रखा ना बहुत अच्छे अच्छे लेवल के हैं, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। इसको बताइए, कह रहा है कि एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग फाइव टाइम्स, यानी एक्स जो है फाइव टाइम्स आता है, वाई अकरिंग सेवन टाइम्स इज 37। कह रहा है कि ऑल्सो द एवरेज ऑफ एक्स अकरिंग सेवन टाइम्स, और आपका कह रहा है कि वाई जो है फाइव टाइम्स आता है और उसका एवरेज है 35। कह रहा है वैल्यू निकालिए आप एक्स अपॉन सिक्स की वैल्यू क्या होगी। इसको देखिएगा, ये बताइए कि जब एक्स फाइव टाइम्स आएगा तो कितना टोटल सम हो जाएगा उसका, कितना हो जाएगा उसको अगर ऐड किया जाए तो 5x। और y कितने बार आया है 7 टाइम्स, y कितना हो जाएगा 7y। ये टोटल सम होगा ना। अच्छा अगर मैं अच्छा एवरेज दे रखा आपको कितना 37, अगर यहाँ से एवरेज निकालेंगे तो आप कितने नंबर से डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करेंगे, टू से क्यों डिवाइड करेंगे, कितने टर्म्स हैं, 5x है 7y इक्वल कितने टर्म्स हैं 12 से डिवाइड करेंगे। देखिए मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ, लेकिन डायरेक्ट लिखता हूँ, 12 से डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक लाइन बढ़ा देता हूँ 12। ये होता है एवरेज, और एवरेज दे रखा है कितना आपका 37। ये बात समझ में आ रही कि नहीं बताइए, ये लाइन समझ में आई आप लोगों को जी सर। अगर ये समझ में आ गया जरा बताइए कि 5x प्लस 7y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 उधर ले जाइए, 12 उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देगा ये इंटू 37। किसी कोई डाउट है इसमें, आगे समझ में। अच्छा सेकंड इक्वेशन बनाइए जरा, तो कह रहा है कि x अकरिंग 7 टाइम्स, x 7 टाइम्स आता है 7x हो जाएगा, y 5 टाइम्स आता है तो 5y हो जाएगा 5y। यहां पे अगर मैं सम निकालूंगा तो क्या करेंगे, एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां भी नंबर्स कितने हैं 7 + 5 अब जरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x अपॉन 6 की वैल्यू निकालिए, यानी आपको x फाइंड आउट करना है, तो y को एलिमिनेट कर दीजिए। आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे ना क्लास 10th में, आपको y को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करिए, कैसे करेंगे तो बताएगा, याद है कुछ कि नहीं, क्या करेंगे इसमें कर दीजिए 7 से 5 से 7 से। हाँ बिल्कुल राइट। आप देखिए थोड़ा से ओवरऑल कोशिश करने की, मतलब ओवरऑल करने की कोशिश करिएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 7 × 7 = 49, ये 5 × 5 = 25। डिफरेंस निकालिए तो मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ, 49 में से 25 जाएगा कितना आएगा 24x। देखिए ऐसे एग्जाम में करिएगा, ये नहीं कि एक एक लाइन लिखते चले जा रहे हैं, सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये देखिए 5 7 जाए 35y हो जाएगा, ये 7 5 जाए 35y हो जाएगा, जब आप माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अच्छा 5 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा ना, ये मत सोचना कि एक तरफ मल्टीप्लाई होगा, इधर 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, इधर 7 से इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ 7 का इसमें ही मल्टीप्लाई होगा। अब जरा माइनस करिएगा तो माइनस कर लीजिए, इधर क्या आएगा जरा बताना, इधर क्या आएगा कर लीजिए 720, इधर आ जाएगा 12 × 37 × 5, यही आएगा ना। अच्छा उल्टा माइनस में कर दिया, पहले आप इसको लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस का माइनस को इग्नोर कर दीजिएगा। इधर देखिएगा 12 × 35 × कितना, कोई बताएगा 7, यही लगाना, थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन कैसे बचाते हैं, ध्यान दीजिए। ये देखिए 12 × 5 = 60 यहाँ पे हो रहा है, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है ना, 12 कॉमन ले लीजिए,
12 कॉमन ले, देखिए हम इससे कॉमन ले लेंगे। अब आपका 37 इंटू 5 कितना होगा जरा बताइए जल्दी से, ओरल 30 इंटू 5 होता 150 और 7 इंटू 5 होता 35, ऐड कर लीजिए निकाल लीजिए। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 डिवाइड करेगा 30 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू 30 आ गई तो जरा बताइए एक्स अपॉन 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। कोई डाउट सर? एक बार देखिए एक और बता दीजिए ना, क्या करना है सर? एक और बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए। देखिए 5 टाइम्स x आया था, 7 टाइम्स y आया था, दोनों का सम निकालेंगे तो क्या आएगा, 5x plus 7y is equal to 12 into 37। क्यों 12 into 37 क्यों किया मैंने, क्योंकि एवरेज दे रखा था 37, 12 टर्म्स थे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। मैंने सब कॉन्सेप्ट बता दिया पहले ही। इसी तरीके से नीचे का सम हो जाएगा 7x plus 5y is equal to 12 into 35। मैंने कहा कि x upon 6 निकालना है तो y को एलिमिनेट कर दीजिए। y एलिमिनेट कैसे होगा, मैंने कहा ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाली इक्वेशन को क्या करिए आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दीजिए आप, आपका देखिए क्या आ जाएगा। मैंने कहा कि 49 माइनस 25 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24x आ जाएगा। और इसको माइनस कर लेंगे, हमने कहा कि देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इधर 12 इंटू 37 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 35 इंटू 7, मैंने कहा 12 कॉमन ले लीजिए और 37 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 185 और 35 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 245, दोनों का डिफरेंस 60, इधर 12 इंटू 60 इधर 24, डिवाइड कर दीजिए 12 इंटू 60 अपॉन 24, 12 टू जा 24 और 2 को 60 से डिवाइड, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे 30, x की वैल्यू 30 आ गई। 30 अपॉन 6 निकालना था, 30 अपॉन 6 कितना होता है 5, मुझे लगता है वो सबको क्लियर होगा। अगर आपको डिवाइड डिवाइड करना आता है, ऐड आउट करना, तो समझ गए होंगे। क्लियर सबको, जल्दी बोलिए यस। यस सर। यस सर। यस सर। किसको बताइए? सर 6 से डिवाइड क्यों किया है हमने 30 को? 6 से करेंगे कितना आएगा, 5। हेलो सर, हाँ बताइए सर, x की वैल्यू 30 आ गई थी, फिर 6 से डिवाइड क्यों किया? x अपॉन 6 की वैल्यू निकालना था, x की नहीं निकालना था, x अपॉन 6 की फाइंड आउट करना। ओके सर, ये क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मैंने आप लोगों को, देखिए मैंने DS कॉन्सेप्ट कराया है, मैंने यूनिटरी मेथड कराया, जाकर YouTube पे क्लास देख लीजिए एक बार, और एक क्लास मैंने एवरेज की पिछले साल एवरेज की प्रैक्टिस कराई है, 40 के आसपास क्वेश्चंस हैं, उसको भी जाके देख लीजिएगा। अब आप लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम वाइम नहीं मिलने वाला, जुलाई के फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा आपका। चलिए बस इतना ही टाइम मिलेगा आपको। देखो क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं जिनका एवरेज 22 है। कह रहा है कि जो फर्स्ट है, द फर्स्ट इज 3/8 सम ऑफ द अदर टू, यानी कि दोनों के जो अदर टू नंबर्स हैं उसके सम और फर्स्ट नंबर के बीच का जो रेशियो है 3:8 है। इसका क्या मतलब हुआ जरा बताइएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिएगा सर, अगर पहला नंबर से दूसरा नंबर x, बाकी दो नंबर का x से सर सम, तो पहला नंबर 3/8। देखिए ये आपसे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इनका सम और इस नंबर के बीच, कह रहा है कि फर्स्ट नंबर 3/8 है सम ऑफ द अदर टू, यानी अगर सम ऑफ दोनों का सम अगर 8 है, इसका ये कितना है 3 है, ये तो रेशियो 3:8 का हुआ। जो अदर टू नंबर हैं वो कह रहा है उनका 3/8 है फर्स्ट नंबर, यानी अगर दूसरा, अगर दोनों जो अदर टू नंबर का सम अगर 8 है तो पहला वाला नंबर 3 है, तभी तो रेशियो 3:8 होगा। बात समझ में आ गई सबको? अच्छा एक बात बताइए,
अगर थ्री नंबर्स का एवरेज 22 है तो तीनों नंबरों का सम कितना होगा? 66. इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर रेशियो की बात की जाए, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कितना बन रहा है? ये 3 यूनिट है, ये दोनों मिलके 8 यूनिट है, दोनों ऐड करिए 11 यूनिट। 11 यूनिट में रखने की आ गया 11 यूनिट, तीनों का सम 11 यूनिट, और तीनों का सम है कितना? 66। तो 11 यूनिट की अगर यूनिट की वैल्यू 66 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6 डिवाइड करके 6। अगर 1 की 6 है तो 3 की कितनी होगी? 18। कोई दिक्कत? जरा बताइएगा। सर ये जो सर आपने बी और सी का सम सर 8 किया है, सर ये कैसे किया? सर ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहाँ लिखा हुआ है? इधर देखिए, द फर्स्ट इज 3/8 द सम ऑफ द अदर टू। द फर्स्ट इज 3/8 द सम ऑफ अदर टू। देखो तो सर 3/8 है ना सर, ये सर इससे तो ये समझ में आ रहा है ना कि जो दो नंबर का सम है उसका 3/8 है फर्स्ट नंबर। तो क्या जी सर, सर 3/8 का क्या मतलब? रुको, 3/8 का मतलब क्या हुआ? अगर वो दोनों मिलके 8 है तो हम कितना है? 3 है। 3/8 का मतलब यही होता है कि अगर टोटल, नहीं समझ पा रहे हैं क्या? अगर दोनों मिलके, अगर दोनों मिलकर के 8 यूनिट है तो ये 3/8 यानी 3 यूनिट है। 8 का 3, मैं कह रहा हूँ दोनों मिलके 8 हैं, तो 8 का 3/8 निकालेंगे कितना आएगा? ओके समझ गए सर, 3 तो आएगा। ये देखो a अपॉन कह रहा है ना, ये कह रहा है वो, समझ में आ गया? हाँ अब समझ गए सर, ये कह रहा है वो। किसी कोई दिक्कत जरा बताइएगा, तो इस क्वेश्चन में किसी कोई प्रॉब्लम जल्दी मैसेज करें। कोई नहीं, चलिए ठीक है। इसको सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बस हो गया। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट 18, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12। देखिए आपके पास टोटल जो नंबर है 25 है, तो कह रहा है कि जो फर्स्ट 12 नंबर हैं, उनका जो एवरेज है वो 14 है, और लास्ट जो 12 नंबर्स हैं उनका एवरेज कितना है? 17। और जो बीच का नंबर 13 है उसकी वैल्यू क्या होगी? 20। राइट आंसर कौन है? शुमाकर पाल। ये देखिए 13 नंबर निकालना है। देखिए इसको कई तरीके से लगा सकते हैं आप लोग। इसका पहला तरीका, अगर आप बड़े में लगाना चाहते हैं, अगर पहले मैं कॉन्सेप्चुअल नहीं बताऊंगा, मैं पहले, अगर आपको कुछ नहीं आता आप कैसे लगाते? आप क्या करते कि जब एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट का 18 है तो आप 25 नंबरों का सम निकाल लीजिए। आप क्या करते हैं 25 × 18 कर लेते, देख लीजिए कितना आ रहा है, ये निकाल लीजिए। उसके बाद क्या करते कि लास्ट का कितना लास्ट 12 नंबर का एवरेज दे रखा 14, यहां से सम निकाल लीजिए, और फर्स्ट है ना, फर्स्ट 12 नंबर है इसका सम निकाल लीजिए, और लास्ट के 12 नंबर का दिया रखा है एवरेज 17, यहां से सम निकाल लीजिए। तो आप क्या करना, टोटल में से इन दोनों के सम को ऐड करके माइनस कर देंगे, 13 रिजल्ट निकल जाएगा। एक तो कॉन्सेप्ट इतना बड़ा आपका इस तरह से लगा सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कि शुरू के 14 नंबर का सम निकाल लीजिए, लास्ट के 14 नंबर का सम निकाल लीजिए, दोनों को ऐड करिए और टोटल सम निकाल लीजिए।
टोटल में से उन दोनों को जो ऐड करके आया है माइनस कर दीजिए, 13th रिजल्ट निकल जाएगा आपका। मुझे लगता है कि ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या करते हैं कि अब मैं लगाता हूं कि आप देखिए, आप कॉन्सेप्ट देखिए क्या कहता है। अब हमको ये बताइए, अगर 13 जो नंबर होगा, अगर क्योंकि एवरेज 18 है, तो अगर 13th नंबर 18 कम से कम 18 तो होगा ही होगा। अब 18 है तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर ये 18 है तो 18 से पहली बात तो 18 तो होगा ही होगा, और 18 होने से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 18 से कितना ज्यादा है ये पता करना है। ये कहां से मालूम चलेगा? देखिए मालूम कहां से चलेगा, ध्यान दीजिएगा। शुरू में आप देखिएगा, कह रहा है कि फर्स्ट 12 नंबर का एवरेज 14 है, इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा एवरेज होना कितना चाहिए था, एवरेज कितना होना चाहिए था? अगर देखिए, हाँ अगर यहाँ पे, हाँ देखिए, अगर यहाँ पे 18 होता, यहाँ पे 18 होता, ये भी 18 होता, तो 18 होता तो क्या कोई एवरेज फर्क पड़ता? नहीं सर, नहीं पड़ता। लेकिन दिक्कत हो गई कि फर्स्ट 12 नंबर का एवरेज घट गया 14, लास्ट का भी 1 घट गया है, तो जाहिर से बात 13 जो नंबर उसको बढ़ाना पड़ेगा एवरेज को मेंटेन करने के लिए। अगर आप एवरेज चाहते हैं सबका 18, तो इसको क्या कर, शुरू के नंबरों का 12 नंबरों का आप देख रहे हैं एवरेज 14 है, लास्ट के 12 नंबर का एवरेज देख रहे हैं 17 है, उधर भी एक कम हो रहा है एवरेज, इधर 4 कम हो रहा है, तो जब जो 13th नंबर होगा उसको एवरेज से कितना बढ़ाना पड़ेगा? सबसे पहली बात बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाएंगे तो आप पर ओवरऑल एवरेज 18 होगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 13th नंबर है उसको एवरेज से कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, और कितना करना पड़ेगा ये कहां से मालूम चलेगा? अब हम ये देखते हैं कि भाई कितना कम हुआ है, 18 होने के लिए कितने की जरूरत थी, यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, बाद में कितना लॉस हो रहा है, सब में कितना लॉस हो रहा है, उन दोनों को इसी में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? अब देखिए आप हमको बताइए कि अगर 2 का लॉस, देखिए 18 चाहिए था एवरेज है 14, तो कितने कम हो रहे हैं जरा बताइए, हर एक एवरेज 4 कम हुआ है, तो हर एक नंबर 4 कम हुआ होगा, तो सब में कितने का इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, 12 × 4 माइनस 4 भी कह सकते हैं क्योंकि 4 कम हो रहा है ना, तो -48 कितना हो गया, -48 यहाँ पे कम हुआ है, इधर कितने का लॉस हुआ जरा बताना, देखिए एवरेज आपका 1 कम हुआ है, 12 नंबर है तो टोटल कितना कम हुआ होगा, -12। अब ये -12 यहाँ पे सम में कमी आ रही है, -48 यहाँ पे कमी आ रही है, अब इनको पूरा करने के लिए 13th क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, तो 18 में कितना ऐड करेंगे आप, 48 और इधर 60, कितना आंसर आ गया, 48 प्लस 12 60 प्लस 78। कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत? शुरू में जो एवरेज, बाद में जो एवरेज में कमी थी उसको पूरा करने के लिए 13th को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका एवरेज मेंटेन होगा। किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। आगे समझ में ना, ये तो आपका सर एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए मैंने एक बार रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर दे रहा हूँ, मैंने आपसे कहा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा अगर शुरू का नंबर था 12 नंबर, अगर उसका भी एवरेज 18 होता, लास्ट वाले का भी 18 होता, तो बीच वाला भी क्या हो जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी 18 होता, एवरेज आपका 18 रहता। दिक्कत कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ ये आई कि जो शुरू के 12 नंबर थे उनका एवरेज 14 हो गया, 4 कम हो गया, तो सब में कितने की कमी आई होगी, अगर हर एक नंबर 4 कम होगा तभी तो एवरेज 4 कम हुआ होगा, तो हर एक नंबर 4 कम हुआ, 12 नंबर्स हैं, कितना टोटल सब में कमी आई, 12 × -4 यानी 48 की कमी आई, इधर आपका -48 कम हुआ। अच्छा लास्ट के जो 12 नंबर्स थे उनका एवरेज 17 है, यानी एवरेज में 1 कम हुआ है, यानी हर एक नंबर 1 कम हुआ होगा, यानी 12 × -1 यानी -12 उधर कम हुआ, -12 लास्ट के 12 नंबर में कम हो रहे हैं सम में, और शुरू के 12 नंबर में 48 की कमी आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि एवरेज 18 आए तो आपको 13 नंबर कितना करना पड़ेगा, 18 प्लस जितना ये दोनों कम हुआ उतना इसमें बढ़ाइए आप, तब जाके एवरेज मेंटेन होगा। 48 और 12 इसी में ऐड कर दीजिए 78, यानी 13th नंबर जो होगा 78 होगा, और सबको जब ऐड करेंगे तब एवरेज निकालेंगे तो आपका 18 आ जाएगा। अगर 78 से कम करेंगे तो एवरेज आपका लॉस हो जाएगा, तब 18 आएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है सर, इसको बताइएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा नया है, ध्यान दीजिएगा।
वन वन आपका एक बार आया है, टू टू टाइम्स आया, थ्री थ्री टाइम्स आया, फोर फोर टाइम्स आया, फाइव फाइव, सिक्स सिक्स, सेवन सेवन टाइम्स आया, इनका एवरेज बताइए। ये बताइए एवरेज होता क्या है, क्या होता है एवरेज है क्या? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। अच्छा बताइए, अगर सम किया जाए यहाँ पे वन तो वन ही रहेगा, वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इधर देखिए दो दो बार आए, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टू स्क्वायर फोर, फोर यानी टू स्क्वायर। थ्री थ्री टाइम्स आया है, इनको ऐड करेंगे कितना आएगा, थ्री क्यूब, थ्री क्यूब थ्री स्क्वायर आएगा, स्क्वायर स्क्वायर का मतलब फोर फाइव का स्क्वायर, ये फोर फाइव बार दिया है, फोर फाइव बार दिया है, फोर फाइव बार दिया है। अरे तो कैंसिल कर लो, एक्स्ट्रा में आ गया। और सिक्स कितना हो जाएगा, सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना। अच्छा टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, वन 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 टाइम्स आया है, टू टू टाइम्स आया, दो बार आया है, थ्री थ्री टाइम्स आया है, फोर फोर टाइम्स आया है, फाइव फाइव टाइम्स आया है, सिक्स सिक्स टाइम्स आया है, सेवन सेवन टाइम्स आया है। आपको एक मैंने फॉर्मूला नहीं बताया था ना, अगर बताइए फर्स्ट इसका एक फॉर्मूला है, अगर ना फर्स्ट एन अगर स्क्वायर नंबर्स हैं उनका सम क्या होता है, लिख लेना आप लोग, होता है क्या है, एन इंटू इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, एन अगर वन से लेके कुछ भी तक फर्स्ट एन नंबर है उनका स्क्वायर का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा, उसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय सिक्स डिवाइडेड बाय सिक्स है ना। इसे पुट करिए जल्दी, बताइए क्या होगा, बताइए क्या हो जाएगा, एन मतलब क्या, सेवन, एन प्लस वन, सेवन प्लस वन एट, एट और टू इंटू सेवन फिफ्टीन प्लस वन फिफ्टीन अपॉन सिक्स अपॉन, ये बताइए वन से लेके सेवन तक का सम कितना हो जाएगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम बोलो जल्दी से, n into क्या था, सेवन इंटू एन प्लस वन ट्वेंटी एट, हाँ ट्वेंटी एट ही आएगा, कैंसिल कर लो, देखो आंसर बताओ जल्दी से, आंसर बताओ क्या आएगा, सॉल्व कर लो, सेवन एट से सेवन एट गया, देखिए ऊपर डायरेक्ट चला गया, और टू से थ्री जा और थ्री से कितना जाएगा, फाइव 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 फाइव, इसे कोई डाउट सर, ये जो फॉर्मूला है वो कोई भी कॉन्सेक्यूटिव स्क्वायर रहेगा तो उसका सम में लग जाएगा, फर्स्ट एन, हाँ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन स्क्वायर में लग जाएगा, नंबर के स्क्वायर का सम होगा। सर रिपीट कीजिए ना एक बार, हाँ एक बार रिपीट कीजिए ना, हाँ देखिए मैंने कहा तो वन वन टाइम्स आया था, वन हो गया, टू टू टाइम्स आया था, टू प्लस देखिए एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो टू टू टाइम्स आया था, टू टू फोर होता है, ऐड करेंगे जब टू टू ऐड करेंगे तो फोर आएगा, फोर का मतलब टू का स्क्वायर, थ्री थ्री टाइम्स आया जब थ्री तीन बार आया है ना, तीनों को जब ऐड करोगे थ्री प्लस थ्री क्या आएगा, नाइन आएगा, नाइन का मतलब क्या, थ्री स्क्वायर। इसी तरीके से जब फोर फोर चार बार आया है, फोर टाइम्स आया जब उसको ऐड करोगे सिक्सटीन आएगा, सिक्सटीन का मतलब फोर स्क्वायर, तो ये फोर स्क्वायर, अगला टर्म फाइव स्क्वायर, अगला नंबर सिक्स स्क्वायर, अगला हो जाएगा सेवन स्क्वायर, नेक्स्ट अपॉन टोटल नंबर्स, तो वन वन बार आया था, टू टू टाइम्स आया है, थ्री थ्री टाइम्स आया है, फोर फोर टाइम्स आया है, सबको ऐड करते चले जाइए, फाइव फाइव टाइम्स, सिक्स सिक्स टाइम्स, सेवन सेवन टाइम्स, तो ऊपर जो बन रहा है वो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन रहा है, उसका फॉर्मूला हमें बताया कि एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तो एन माने सेवन, एन प्लस वन एट और टू सेवन जा फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन अपॉन सिक्स आ जाएगा फॉर्मूले में था, और नीचे वन से लेके सेवन तक नंबर उनका सम क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो सेवन इंटू सेवन प्लस वन एट बाई टू, सॉल्व कर लीजिए फाइव आ जाएगा। किसी कोई डाउट, किसी को कोई डाउट हो तो बता दिया जाए, बताइए किसी नहीं को डाउट, नहीं है सर,
बताइए क्या होगा। फाइव नंबर्स हैं, आपको कह रहा कि फर्स्ट फोर नंबर का एवरेज जो है वो ग्रेटर देन है एवरेज ऑफ द लास्ट फोर नंबर्स बाय 35, ए माइनस ई बाय 7 निकालना है। सॉल्व करिए, आपके पास पांच नंबर थे फाइव नंबर्स, तो फर्स्ट फोर नंबर का एवरेज और लास्ट फोर नंबर के एवरेज के बीच का डिफरेंस कितना है? 35 ए माइनस, तब सॉल्व करिए क्या है? बहुत ही आसान हो गया, देखो बहुत आसान हो गया। ये बताइए कि फर्स्ट फोर नंबर का एवरेज क्या होगा? फर्स्ट फोर नंबर कौन सा है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एवरेज क्या होगा? फोर है ना, माइनस लास्ट फोर नंबर का एवरेज बताइए, लास्ट फोर नंबर कौन से होंगे? बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाय 35। मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहा हूँ, मैं एक लाइन बढ़ाऊंगा नहीं। देखिए जो माइनस करेंगे सब माइनस हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा ए प्लस डी प्लस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं लेकिन लिखना पड़ रहा है, माइनस बी माइनस सी माइनस डी माइनस ई, सही है ना? नीचे फोर आएगा मैं डायरेक्ट, लेकिन नीचे फोर आएगा और इधर आ जाएगा 35, कोई दिक्कत? इधर देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बी सी डी देखिए सब कैंसिल हो गए, ए माइनस सी मिल गया ना, ए माइनस ई अपॉन फोर इज इक्वल टू 735। क्या लाना है आपको जरा बताइए, आपको नीचे 7 लाना है, ए और ई की वैल्यू हो गया, देखिए हो गया 35 को आप लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 5 क्या लिख सकते हैं? 140। हाँ 140, नहीं नहीं ऐसा मत करिए, 7 इंटू 5 लिख लीजिए और 7 को नीचे ले आइए, 4 को उधर लेके चले जाइए, आंसर आ जाएगा ए माइनस ई बाई 7 इज इक्वल टू 4 उधर ले जाए 20। अभी फिर से समझा देंगे, समझ में आया कि नहीं? अरे भाई 20 yes, सेवन उधर ले आइए नीचे, इसके फोर उधर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा yes, 20 आ जाएगा 35 यहाँ पे। क्या कह रहे हैं आप? ए माइनस ई डिवाइडेड फोर इज इक्वल टू 35, यहाँ से फिर से बोलिए ना, 35 है ना। तो देखिए सब थोड़ा सा देखिए, सब जब आप कोचिंग कर रहे हैं ना तो यही सब आपको सिखाया जाता है। देखिए सेवन को मैं, देखिए सेवन को अगर मैं यहाँ पे नीचे लाऊं डिनोमिनेटर, ए माइनस ई अपॉन फोर, और फिर लोग यही नहीं समझ पाएंगे कैसे हो गया, इज इक्वल्स टू 35। 35 का मतलब 7 इंटू 5, आपको निकालना है क्या, ए माइनस ई बाई 7, तो मैं इसको नीचे ले आया फोर उधर कर दिया। अच्छा ए माइनस ई बाई 5 लाना होता तो आंसर क्या होता, अगर यही क्वेश्चन में होता है? 28। अब 7 से डिवाइड करते, यही करते ना, फिर लिखते 20, ऐसे करते, एक स्टेप बढ़ाना पड़ता आपको, कुछ लोग ऐसे करते। मुझे लगता है सबको क्लियर होगा सर। सर ये माइनस बी माइनस सी माइनस डी कैसे हो गया जी भाई? ये बताइए जब माइनस करेंगे, ये जब माइनस जो है सब में मल्टीप्लाई कर देता है, सबका साइन चेंज हो जाएगा, बी प्लस है ना, ये सब माइनस में मल्टीप्लाई करेगा, माइनस बी माइनस सी माइनस डी सब माइनस हो जाएगा। ये तो क्लास सिक्स में पढ़े होंगे ना, जब किसी वेरिएबल को माइनस किया जाता है तो माइनस सब में मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है, तो सबका माइनस हो जाएगा, सारे के माइनस हो जाएंगे। यस सर। तो बताइएगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट, जल्दी से बताइए इसको, इसको जल्दी से बताइए, कह रहा कि फर्स्ट 10 इवन नंबर पॉजिटिव का एवरेज एंड पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नंबर्स एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इवन नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, सही है, निकालिए। बस इतना ही टाइम दिया जाएगा, 160 होगा सर, 160 सी। और बताइए कोई लोग, और सब बताइए,
कल पढ़ाए थे ना सर, 160 ही होगा। बिल्कुल कल बताए थे कि फर्स्ट 10 और एवरेज कितना होगा 10 10 बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट 10 और नंबर का अगर एवरेज निकालेंगे आप तो वो आएगा आपका 10। अच्छा फर्स्ट 15 इवन नंबर का एवरेज क्या होगा आप कहते 16. हैं इंक्रीज कर जाता है 15 प्लस 1 दोनों को प्रोडक्ट यानी दोनों को मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा 160। आपका आंसर हो जाएगा 160। ये तो आसान था, ये तो बिल्कुल आसान था है ना, ये तो सभी लोग कर ले जाते। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? फर्स्ट एन ऑड नंबर का एवरेज एन होता है, फर्स्ट एन इवन नंबर का एवरेज एन प्लस वन होता है, ये फॉर्मूला है यानी एक बढ़ जाता है। यहां से आप आसानी से कर सकते हैं। ये बताइएगा, ये थोड़ा सा इसको मैं बताता हूं। आपसे कह रहा है कि द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 कॉम्यूटेटिव ऑड नेचुरल नंबर 233। आपसे बताना है कि लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का सम क्या होगा, उसका एवरेज क्या होगा। देखिए इसको देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑड नंबर है लेकिन उनका स्क्वायर है, ये बताइए। मैं मान लेता हूं कि उसका जो जो एवरेज है, सपोज दैट जो वैल्यू है वो एक्स है। फाइव आप कितने एवरेज हैं, कितना नंबर 5 कॉम्यूटेटिव ऑड नंबर है। तो अगर मान लेता हूं अगर बीच वाली वैल्यू एक्स है, जरा बताइए इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस फोर, एक्स प्लस टू, फोर, एक्स माइनस फोर, इधर एक्स प्लस फोर, इतना तो आप जानते हैं, प्लस टू प्लस फोर। इनके स्क्वायर का एवरेज निकालना है यानी इनके स्क्वायर का सम करके डिवाइड करके आप सॉल्व करिए। तो एक बात बताइए, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है। इसमें क्या होता है, स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर माइनस टू ए माइनस टू ए बी, क्लास सिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों। अच्छा जरा बताइए सबका थोड़ा स्क्वायर करिए देखिए, तो क्योंकि आप देखिए सबको स्क्वायर करके ऐड करना है, सबको स्क्वायर करके ऐड करना है, थोड़ा सा ओवरऑल कोशिश करिएगा। ये बताइए जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे, इसका करेंगे, सबको ऐड करेंगे, ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 16 आएगा ना, प्लस 16 आएगा इधर, माइनस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू फोर कितना होता है, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 8x, दोनों कैंसिल हो जाएगा। दिमाग में करिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे ही तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x आता है, इधर माइनस 8x आता आएगा कि नहीं, जब ऐड। अच्छा ये दोनों देखिए मैं डायरेक्ट दिमाग में कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल कर लीजिए आप, पहले जो जो कैंसिल हो रहा कैंसिल करिए। ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलेंगे सर एक्स प्लस 4 आएगा और माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा माइनस 4x और यहाँ पे प्लस 4x आएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल, जो कैंसिल हो रहा मैं हटा दिया दिमाग से, वो हट गया, और बीच में एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, जरा बताइए सबको, सबको ऐड करिए तो देखिए कितने एक्स स्क्वायर कितने हैं, जरा देखिएगा तो एक फाइव, तो एक्स स्क्वायर फाइव टाइम्स कितना हो जाएगा, अरे एक्स स्क्वायर फाइव बार लिखा तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, फाइव एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर। नंबर का सम बोले तो जितने नंबर है उनका सम कितना हो रहा है, देखिए यहाँ पे 16 32 40 32 4 36 4 40 अपॉन कितने नंबर है जरा बताइए, 5 ये एवरेज हो गया ना, और है एवरेज कितना, एवरेज है कितना 233 233 कैंसिल करिए तो देखिए 5 1 5 5 8 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका x स्क्वायर प्लस 8 ये आ गया 233। यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 233 माइनस 8 कितना हो जाएगा 225 15 हो जाएगा सर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से स्क्वायर 225 का स्क्वायर रूट 15। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है जरा बताइए, यस सर।
अब क्या दिक्कत है, निकाल लीजिए एवरेज कितना होगा। देखिए यहाँ 15, ये तो माइनस 4 प्लस 4 तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर ये लार्जेस्ट नंबर, इनका एवरेज निकालना है। तो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल होगा, यहाँ पे 15 यहाँ पे 15 कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 बाई 2 कितना जाएगा 15। ए भाई 15 में से 4 निकालेंगे 11 आएगा, 15 में 4 ऐड करेंगे कितना आएगा 19, ऐड कर लीजिए 11 19 में कितना आएगा 30, 30 ऐसे कर लो 30 में 15। तो दोनों का एवरेज निकालना था, दो नंबर थे दोनों को ऐड करके हाफ कर दिए। जब x निकल आया तो स्मॉलेस्ट निकाल लिया लार्जेस्ट निकाल लिया, दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया, आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में जरा बताइए, कोई दिक्कत है सर? लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर जो निकालना है वो कैसे निकालना है? जब आपका x 15 आ गया तो 15 प्लस 4 लार्जेस्ट नंबर, देखिए ये आपका लास्ट वाला है 15 प्लस 4 19 और स्मॉलेस्ट 15 माइनस 4 11, दोनों को ऐड करिए तो ओके सर। ठीक है सर बताइए सर, आपने जो ये माइनस में लिया है, अगर हम माइनस में ना लेके ये x प्लस 4 के ही नेक्स्ट जो आएगा वो लें तो उससे होगा ये क्वेश्चन? कोई भी आप ले, हमने देखिए बीच का x ले लिया तो हमने दो नंबर इधर ले लिया, दो उधर ले लिया प्लस कर दिया, क्योंकि x के बाद, क्योंकि x से पहले जो वैल्यू घटेगी ना x माइनस 2 x माइनस 4 स्मॉलेस्ट होगा ना, x के बाद बढ़ेगी वैल्यू, तो मैं बढ़ा के लिख दिया। मतलब वैसे भी करेंगे तो ठीक रहेगा? हाँ कोई भी वैल्यू अगर आप मान के आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दो दो का गैप। ओके ओके इसको बताइएगा, एवरेज ऑफ 4 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर का दे रखा है, ए बी सी डी का 33 है, तो बताइए बी डी माइनस ए सी क्या होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपका पूरा एनटीए लेवल का ले लिया हूं मैं आज, ये मतलब तैयार रहिएगा, बिल्कुल आसान। जरा सबसे पहले सभी लोग बताइए कि चारों नंबर कौन कौन से होंगे, सभी लोग बताइए इसका आंसर। कल इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर 4 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर हैं ए बी सी डी और उनका एवरेज 33 है तो वो नंबर कौन कौन से हुए ये बताइए। 32, 34, 36 किसका आंसर आया है राइट बताए हैं, कौन है ये? वैष्णवी सिंह सर। अभी तो यस सर, ऋतिक का आंसर आया, अभी तो वैष्णवी का आंसर कहाँ आया है? अरे हम बोल रहे हैं सर गलत बताए क्या? नहीं ठीक है, देखिए सुनिए इधर देखिएगा, तो मैं सॉल्व करता हूँ आराम से देखिएगा। ये देखिए ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया ना, एवरेज 33 यानी बीच में कहीं है, तो बी की वैल्यू जरा बताइए कितनी हो जाएगी, इवन है जहां ले गया इवन है तो ये 32 ये कितना हो जाएगा, 1 ऐड कर दीजिए 34, डी कितना होगा 36, ये कितना होगा कम करते जाइए, कितना समझ में आ गया? यही तो हम बताए थे, ये ठीक है बताया थे तो सही है। अच्छा अब आगे बताइए क्या होगा, कह रहा कि BD माइनस AC, देखिए अब आपको हम DS कॉन्सेप्ट का यहाँ पे दिखाते हैं क्या जादूगरी, ध्यान दीजिए ये देखिएगा, ये तो BD कितना होगा, BD बोलो जल्दी से, BD 68 एक स्टूडेंट जाता है इसको मल्टीप्लाई करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा, माइनस करेगा, आंसर करेगा। अब देखिए डीएस क्या होता है, देखिए 63 यहाँ पे कितना हो रहा है, 63 का सम बोलो 9, कितना होता है 9, और 9 जब भी मल्टीप्लाई कर देता है तो डीएस 9 बना रहता है, इसका डीएस पूरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन का डीएस 9 माइनस, इधर देखिए 3 प्लस 0 ऐड करेंगे 3 और 4 प्लस 3 कितना होता है 7, 7 इंटू 3 कितना होता है 21, 21 का डीएस बोलो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 9 माइनस 3 यानी 6, जिसका डीएस 6 होगा वही आंसर होगा। देखिए इनको सबको ऐड करिए, नहीं है इनका नहीं है, देखिए 4 हो रहा है ये 9 हो रहा है, ये देखिए ऐड करो बी बी सर बी 132 5 प्लस 1 6
ये होता है डीएस, मैंने कहा भाई डीएस जाके देख लीजिएगा, हर जगह अप्लाई हो जाता है। डायर देखिए मैंने अप्लाई कर दिया, मैं मल्टीप्लाई थोड़ी करने जाऊंगा, मैंने डीएस लगाया, मैच खा गया आंसर 132। अब जिनको नहीं आएगा मल्टीप्लाई करता रहे। ये होता है टाइम सेव करना, ऐसे टाइम सेव होता है। तो 132 आपका आंसर हो जाएगा। अब डीएस जो नहीं पढ़े वो पढ़ ले जाए, इसको बताइए जल्दी से, इसको देखिएगा। देखिए कह रहा है एवरेज आपके देखिए 52, 87, 1, 103, 48, K+4 आजकल बहुत ट्रेंड में है ये क्वेश्चन। इतने नंबरों का एवरेज अगर आपका 63 है तो बताइए कि K की वैल्यू क्या है। इसमें लोग क्या करते हैं कि सबको ऐड करेंगे, उसके बाद काउंट करेंगे कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, 5 है ना, 6 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेवन नंबर सेवन से डिवाइड करेंगे, फिर 63 लिखेंगे, वहां पे के की वैल्यू लेंगे। आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं ना, अगर जिनको नहीं पता होगा 52, 87, K, 103, 48 सबको ऐड कर लीजिए और फिर 51 / 7 = 63 अब सॉल्व करिए यहाँ से। अब 7 को उधर ले जाइए, इनको ऐड करिए, तब जाके निकालेंगे ना, लास्ट में 2-3 मिनट खा जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कैसे आपको निकालना है। देखिए जो भी होगा 7 का मल्टीपल, क्या 7 का मल्टीपल के की वैल्यू निकालनी है आंसर, के की वैल्यू निकालनी है आंसर भी आप कह सकते हैं 7 का मल्टीपल। बहुत अच्छा दिमाग लगाए, लेकिन देखते हैं आंसर क्या आता है, देखते हैं आगे, देखिए बी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, देखिए अगर आपका एवरेज 63 है तो हर एक नंबर सपोज दैट, तो क्या करिए सबको मान लीजिए सब 63 होते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए ये है 52, एवरेज है आपका 63, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा पहले वाले नंबर को, कितना इंक्रीमेंट करना पड़ेगा पहले वाले में, 11 करना पड़ेगा। इसको देखिए, इसको तो कम करना पड़ जाएगा, 87 ज्यादा है, कितना कम करना पड़ेगा जल्दी बोलिए, 24 ये को छोड़, इन दोनों को छोड़ दीजिएगा अभी, इन दोनों का नहीं ध्यान दीजिए, इस पर नंबर फोकस करिए, 103 कितना हो जाएगा, कितना कम करना पड़ेगा, 40 अच्छा 48 है, इनको बढ़ाना पड़ेगा ना, इंक्रीज करिए, कितना इंक्रीज कर दे 63 हो जाएगा, 15 और ये बताइए जल्दी से, इनको बोलिए जल्दी से, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 12 ओवरऑल देखिए क्या सम पे इफेक्ट पड़ रहा, देखिए तो ओवरऑल कितना सम पे इफेक्ट पड़ रहा, जल्दी बोलिए, -64 इधर हो गया और 11 और 15 26 और इधर 38 है ना, देख लीजिए +11 + 15 + 12 38 तो 38 - 64 कितना हो जाएगा, -26 कितना हो जाएगा, -26 का मतलब ये हुआ। अच्छा ये बताइए -26 ये बताइए, ये जो K थे ये दो नंबर K और K प्लस फोर, इनका टोटल कितना बनता, कितना बनता दोनों का टोटल ये बताएगा, अरे एवरेज मेंटेन करना है, कितना कितने कितने दोनों होते, 26 और 30 नहीं नहीं ये भी दोनों 63 हुए तभी तो एवरेज मेंटेन रहता, अगर इनको देखा जाए K+K+4 ये भी तो क्या होते 63 होना चाहिए, सबको तो आप मेंटेन नहीं किए हैं, सबको 63 के करीब लेके आए हैं, 126 इन दोनों का सम कितना होना चाहिए था, 126 तब जाके एवरेज मेंटेन होगा, लेकिन आप देख रहे हैं -26 आया है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा उसमें से -26 क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ सबट्रैक्ट, हाँ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी K+K+4 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी, 126 होनी चाहिए, बस 26 लिखे इधर आपका माइनस हो गया है, उसको माइनस कर दीजिए आप, कितना होना चाहिए था 100 कितना होना चाहिए 100, यानी ये दोनों नंबर का सम जो है 100 होना चाहिए, यहाँ से निकाल लीजिए जरा बताइए तो 2K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 - 4 उधर करिए 96 by 2 48 आप कहे कि भाई 52 है, अगर इसको अगर ये 63 लाने के लिए इसको 11 आपको इंक्रीज करना पड़ेगा,
87 था तो माइनस 24 करना पड़ेगा 63 लाने के लिए। ये 103 बढ़ गया है, इसको 63 के करीब में अगर 63 के इक्विवेलेंट करेंगे तो माइनस 40 करना पड़ेगा इसमें से। 48 को अगर 63 के इक्विवेलेंट करेंगे तो 15 बढ़ाना पड़ेगा, इसको 12 बढ़ाना पड़ेगा। तो ओवरऑल मैंने देखा कि माइनस 26 कम करना पड़ेगा ओवरऑल में से। मैंने कहा दो ही नंबर बचे थे, ये दोनों देखिए यही दोनों थे। अब इनको जब देखिए के और के प्लस 4 दो थे, मैंने कहा इन दोनों को 63 आपका होना चाहिए था, 126 टोटल 126 होना चाहिए था। लेकिन आप इधर देखने की माइनस 26 इधर लेस आ गया है, तो 126 और माइनस 26 कितना हो जाएगा 100। यानी ये दोनों नंबर का जो सम होगा वो 100 होगा। तो के प्लस 4 की वैल्यू 100 है, तो निकाल लीजिए यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी आंसर। चलिए ठीक है, ये बहुत फिर तो वो 7 के मल्टीपल वाला आइडिया नहीं आएगा, मल्टीपल नहीं है 7 मल्टीपल, इसलिए नहीं है। एक वैल्यू के है, फिर एक के प्लस 4 है, एक ही नंबर नहीं है, दो लोग हैं, एक के है एक के प्लस, दो अननोन है, के प्लस 4 इस वजह से। सर माइनस 126 उसमें से 126 जो है वो माइनस क्या, वो माइनस 26 हाँ 126 जो है इनका दोनों का होना चाहिए था। तो आप 63 का सबके करीब में लेके जाते तो k को भी 63 का वो भी मान लेते 63 है, k प्लस 4 को भी 63 मान लेते हैं, मान ले यही है, तभी एवरेज आपका 63 आएगा। तो टोटल कितना हो जाता दोनों का 126। लेकिन इधर में जो ओवरऑल सॉल्व किया जो बचे हुए नंबर थे उसमें माइनस 26 की कमी आई है, तो कहां से माइनस होगा, इसी 126 माइनस 26 कर देगा आप, यानी दोनों जो एक्चुअल में 100 होंगे दोनों का सम। ओवरऑल नेट इफेक्ट देखा जाता है, सब लोगों का नेट इफेक्ट देखा जाता है कितना आ रहा है। बस अगर वो प्लस हो जाए तो ऐड कर लेंगे क्या है? हाँ अगर बढ़ता है तो बढ़ाना पड़ता है, तो बढ़ाना पड़ता है। चलिए 11 क्वेश्चन जल्दी बताइए ये क्या आएगा, कह रहा है देखिए थोड़ा सा तेजी से लगाते हैं आधे बचे हुए क्वेश्चन, बहुत अभी बचा हुआ है। देखिए 9999 इतना 9 कितनी बार 4/9 और लास्ट में कितने टाइम्स आया है 9 times 9, इसका एवरेज बताना है। कह रहा है कि बताइए कि विच डिजिट इज मिसिंग इन द एवरेज, सबको ऐड करना पड़ेगा आप यही करोगे ना, 9 + 99 = 999 इसी तरीके से सो ऑन। आप क्या करते हैं 9 times 9, अच्छा कितने से डिवाइड करते, एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, जल्दी बोलिए टोटल नंबर कितने हैं, कितने टोटल हैं, 1/9, 2/2 times 9, 3 times 9, तीसरे टर्म में 3 times 9, चौथे वाले टर्म में 4 times 9, तो जहां पे 9/9 है वो कौन सा टर्म है, पहला टर्म 1/9 है, दूसरा टर्म जो है 9th टर्म है सर, 9 नंबर्स टोटल, 9 टर्म्स है टोटल, 9 से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर 9 कॉमन ले लीजिए और नीचे का 9 कैंसिल करिए जल्दी से, ऊपर का 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा जरा बताइए, 1 यहाँ बोलो क्या, 9 से डिवाइड कर लिए डबल 1, यहाँ क्या आ जाएगा ट्रिपल 1, ट्रिपल 1, ऐसे चलता चला, ऐसे चलता चला जाएगा, यहाँ पे लास्ट वाले में कितना आ जाएगा, कितनी बार 1 आएगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, अरे 9 बार, नीचे का 9 कैंसिल कर दीजिएगा, सबको ऐड करिए तो 1 double 1 + 11 + 111 किसे ऐड करते चले जाएंगे तो क्या आएगा जरा बताना, तो कोई बताया क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा, देखिए शुरू में तो 1 हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2, आप ऐड कर लीजिए 3 4 5 6 7 8 9 आ जाएगा, सबको ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 7 8 9, तो कौन सा मिसिंग है जरा बताना, तो 1 भी है 2 भी है 3 भी है, 0 मिसिंग, 0 मिसिंग है, 0 मिसिंग, ठीक है सबको ऐड करेंगे 1 2 3 4 6 7 8 9 आ जाएगा। इसको बताइए जल्दी से, कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 8 कंसेक्यूटिव इवन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है उनका एवरेज 17 है, जरा बताइए कि लास्ट के 3 नंबर और 36 और 53 दो और जोड़ दीजिए उनका एवरेज बताइए जल्दी से बताइए। कुल कितने नंबर हैं, अगर आपका एवरेज 17 है तो उसके पहले वाला नंबर कौन सा होगा 16, इसके बाद वाला नंबर 18, इधर भी 3,
इधर भी तीन, जरा बताइए लास्ट के थ्री नंबर जरा बताइए कौन कौन से हो रहे हैं, 20, 22, 24 और दो और ऐड कर लीजिए 36 और 53। एवरेज बताइए जल्दी से, सबको ऐड करिए, एवरेज बताइए सबको ऐड करके। देखिए 42 और 24 कितना हो जाएगा, 66 इधर ऐड कर लीजिए, इधर कितना 89, दोनों ऐड करिए कितना हो जाएगा, और कितने नंबर हो जाएंगे, 3 या 2 या 5, 155 by 5 कितना हो गया 31। किसी कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नो? ठीक है, देखो क्या करना था, अरे भाई 17 एवरेज था, इससे पहले वाला नंबर 16, इसके बाद वाला नंबर 18, और लास्ट का थ्री नंबर कौन सा हो जाएगा, टोटल 8 नंबर है ना, तो आपका देखिए 20, 22, 24, 3 ये हो गए और 36, 53 और ऐड कर लीजिए, टोटल 5 नंबर्स हो गए, सबको ऐड करिए, 5 से डिवाइड करिए, अरे निकल जाएगा। किसी को कोई डाउट है बोल देगा, कोई भी डाउट हो तो बोल दीजिएगा, इसको बताइए जल्दी से। कह रहा है कि 3 की पावर 30 और 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का एवरेज बताइए, सबको ऐड करिए और कितने नंबर हो गए, 1, 2, 3 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ऊपर 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 3 कितनी पावर बचेगी, अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 3 की पावर 29, यहाँ पे एक 3 एक बाहर चला गया तो 3 की पावर 59, यहाँ भी एक बाहर चला गया 3 की पावर 89 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या हो गया, बी। सबको ऐड करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 कॉमन ले लिया मैंने ऊपर, 3 कॉमन लेंगे 3 की पावर 30 माने 3 × 30 by 30 times, एक 3 बाहर निकल जाएगा तो 3 की पावर 29 हो जाएगा, ये 3 की पावर 59 हो जाएगा, ये 3 की पावर 89 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा कैंसिल कर देगा, आंसर आ जाएगा आपका 3 की पावर 29, 3 की पावर 59, 3 की पावर 89। कोई डाउट सर, ये कोई समझ नहीं रहा है, क्या हुआ, ये क्वेश्चन मैंने समझ नहीं रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 3 की पावर 30 एक नंबर था, 3 की पावर 60 दूसरा नंबर था, और थर्ड नंबर था 3 की पावर 90। कह रहा है इनका एवरेज निकालिए, एवरेज क्या होता है, तीनों को ऐड करिए और जितने नंबर्स हैं डिवाइड कर दीजिए, तो तीनों को जब आपने ऐड किया 3 की पावर 30, 3 की पावर 60, 3 की पावर 90 अपॉन नंबर है टोटल 3, डिवाइड कर दीजिए। आप ये बताइए ऊपर 3 कॉमन है कि नहीं, सब में देखिए 3 की पावर 30 का मतलब होता है कि 3 का इस तरह नहीं लिख सकते हैं हम, 3 × 3 की पावर 29 लिख दीजिए, 3 की पावर 30 किस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, इसी तरीके 3 की पावर 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 की पावर 59, अभी मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा पावर, इसी तरीके 3 × 3 की पावर 89 लिख देंगे, अब नीचे अपॉन 3 है, अब यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 कॉमन ले लीजिए बाहर कर लीजिए, अब बचा क्या देख लीजिए, यही तो बचा, और नीचे आपका 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया 3 की पावर 29, 59, 89। कोई डाउट ये सब बेसिक क्वेश्चन है, आपको आने चाहिए। फिर इसको भी थोड़ा से बाद में कराएंगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, तो 15 आपसे क्या कह रहा है जरा बताइए, एक पॉइंट बना लीजिएगा, चलिए बताइए, कह रहा है कि एवरेज ऑफ 126 नंबर का एवरेज आपका 951 है, अगर हर एक नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 3.6 ऐड कर दिया जाए तो न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बताइए, अगर एक हर एक नंबर को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज भी 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 951 × 0.2 और हर एक नंबर में 3.6 ऐड करेंगे तो एवरेज भी 3.6 ऐड हो जाएगा, आंसर बताइए लास्ट डिजिट से, तो आंसर नहीं, लास्ट डिजिट से आंसर निकाल सकते, देखिए पहली बात यहीं से आंसर निकल जाएगा, देखिए 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लास्ट में 2 आएगा
यहाँ पे सिक्स है, लास्ट में एट आएगा, और ये तो नहीं हो सकता वाला। ये बहुत कब छोटा है, सर ए है करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें मैं इसको आप लोग कुछ नहीं करना था, पॉइंट टू से मल्टीप्लाई करिए, कॉन्सेप्ट बेसिस सही। ये बताइए जल्दी से, ये बताइए आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है, एवरेज ऑफ टेम्परेचर मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे का टेम्परेचर जो है एवरेज टेम्परेचर 40 है, तो बताइए सभी लोग, तो मंडे, मंडे हो गया ट्यूजडे और वेंसडे, ये बताइए इनका टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा तीनों दिन का, 120 डिग्री। हाँ, एनर्जी एनर्जी बनाए रखिए आप लोग दो घंटे के अंदर कम से कम। ये बताइए ट्यूजडे वेंसडे और थर्सडे का अगर एवरेज 41 है, तो ट्यूजडे और कौन सा है वेंसडे एंड थर्सडे, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा तीनों दिन का एवरेज टेम्परेचर अगर 41 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 तीन है ना, 1 2 3 माइनस कर दीजिए, तो जल्दी से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करिए, तो देखिए वेंसडे से वेंसडे कैंसिल, ट्यूजडे से ट्यूजडे जाएगा, तो थर्सडे माइनस मंडे ये कितना आ जाएगा, 123 माइनस 123 3। अच्छा थर्सडे का टेम्परेचर है कितना 42, तो 42 माइनस मंडे अगर 3 है तो मंडे कितना है, इधर ले आइए 39 डिग्री। ठीक है, अब आजकल देख ही रहे हैं कि 42 से कम नहीं चल रहा है, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है ना, तीन का दिया था मैं, तीनों का सम निकाल लिया, तीनों दिन पे ओवरऑल टेम्परेचर क्या है, लास्ट का मैंने थ्री डेज का ओवरऑल टेम्परेचर निकाल लिया, माइनस करके निकाल लिया, आंसर पुट कर दिया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई डाउट हुआ देखिए जिनको नहीं है तुरंत बोल दे, एक बार फिर से समझाइए, ऐसे चुपचाप मत रहिएगा कि आ भी नहीं रहा बोल भी नहीं रहे। चलिए अभी अभी और एंजॉय करेंगे, आप बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये बताइए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्या है, हाँ ये बताइएगा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं पढ़ा, देखिए जब भी एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे ना तुरंत छोड़ दिया करिए, लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा, एवरेज में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो बहुत बड़ा दिखाई दे तुरंत उसको लीव करिए, अगला क्वेश्चन करिएगा, लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। देखिए बहुत आजकल ट्रेंड चला हुआ है, आजकल पूछता है कि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुछ बच्चे हैं कुछ चिल्ड्रेन हैं जिनका एवरेज वेट जो है आपसे कह रहा है 42 किलोग्राम है, कह रहा है कि पांच जो बच्चे हैं वो शामिल हो जाते हैं ग्रुप में, तो एवरेज आपका कह रहा है कि 48 हो जाता है, और कह रहा है कि शामिल होने से अगर पांच बच्चे निकल जाएं तो कह रहा है कि एवरेज 37 हो जाता है, तो कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन बोथ, क्या दोनों केस में जो एवरेज वेट है चिल्ड्रन का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिमेन इक्वल होता है, ये ध्यान दीजिए ये वाली लाइन है, रिमेन्स इक्वल होता है, कह रहा है रिमेन इक्वल होता है, आपसे कह रहा जा रहा है कितने बच्चे ग्रुप में शुरू में थे, ग्रुप में मान लेते हैं शुरू में कितने बच्चे थे, हम मान लेते हैं कि एन थे, कितने थे एन थे, आप हमको मतलब क्या क्वेश्चन जो कह रहा है इसका मतलब ये हुआ कि पांच बच्चों के शामिल होने से जो बदलाव होता है जो चेंजेस आते हैं, ठीक है वो चेंज पांच बच्चों के जाने से जो चेंजेस आते हैं एवरेज में वो दोनों क्या है सेम है, कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा, पांच बच्चों के आने से एवरेज में चेंजेस, पांच बच्चों के जाने से एवरेज में चेंजेस, जो चेंजेस हो रहे हैं वो दोनों सेम है। आप हमको आप बताओ वैष्णवी अगर हैं यहाँ पे आपको भी बताए, धीरेन्द्र शुक्ला आप बताइए, अगर 5 चिल्ड्रन आ रहे हैं तो हमको ये बताइए कि सम में कितने का चेंज होगा, एवरेज में कितने का चेंज, सम में कितने का चेंजेस होगा, आप देख रहे हैं कि 42 शुरू में एवरेज था, बाद में 42 into 5 कैसे, 42 तो है ही है, 48 हो जाता है, कितना बढ़ जाता है, चेंजेस की बात कर रहा हूँ, अच्छा 3 5 6 6 और पांच लोग हैं तो कुल कितने का चेंज हो जाएगा, सम में कितने का चेंज होगा, अच्छा सम में जो 30 का चेंज होगा कम होगा कि ज्यादा, बढ़ाएगा कि कम करेगा, बढ़ जाएगा, अरे आने से एवरेज बढ़ रहा है ना, सम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, कितने का इंक्रीमेंट होगा, 5 into 6
कितने का इंक्रीमेंट होगा? 30, कितने स्टूडेंट थे टोटल? एन थे, एन ऑफ पांच और आठ, एन 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 प्लस फाइव प्लस फाइव, ये हो गए। अच्छा ये जो बदलाव है ये इक्वल है, ये जो चेंज है इक्वल है किसके? अच्छा पांच बच्चों के जाने से, कह रहा है कि एवरेज, अब जिससे पूछूंगा बताएगा, पांच बच्चों के जाने से एवरेज आपका 37 हो जाता है। ये बताइए, ये बताइए रंजना बिंद, आप बताइए कि सब में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा किसी के जाने से अगर एवरेज घट जाता है? नहीं नहीं, किसी के जाने से 42 था 37 हो गया, लीव सर सम बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा जरा बताना तो, टोटल पांच लोग गए हैं बढ़ेगा पहली बार, और कितने के कितना देखिए डिफरेंस निकाल लीजिए, 42 37 कहाँ 11, 37 इंटू 5 5 का डिफरेंस तो है 25, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? एन माइनस फाइव, सॉल्व कर लीजिए इसको, बस हो गया था, इतना ही करना था, कॉन्सेप्ट ध्यान देना। ये देखिए सॉल्व करिए तो 5 से 5 गया, और बताइए जल्दी से, देखिए अब मैं आप देखिए थोड़ा से अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, मैं देखिए कैसे सॉल्व करता, 6n इधर होता 5n इधर होता, डिफरेंस कितना आता 6n माइनस 5n का? n इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिएगा 6 इंटू माइनस 5 माइनस 30 और प्लस 25 कितना हो जाएगा? माइनस 5 55। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, देखिए 6n माइनस 30 इज इक्वल्स टू 5n प्लस 25, सॉल्व कर लीजिएगा आपका n इक्वल टू कितना आ जाएगा 55। तो क्या पूछा था? Yes, sir, 55. आ गया ना सर पहले की, सर इसको फिर से हाँ, वही n पूछा था सर 55 है? पहले फिर से बता दें, yes, फिर से बता दें, देखिए क्या मैंने क्या कहा कि देखिए पांच बच्चों के आने से जो सम में चेंजेस होगा, जो बदलाव होता है खासकर आने से और जाने से, दोनों इक्वल कह रहा है ना, रिमेन्स इक्वल कह रहा है ना दोनों केसेस में, जो अब चेंजेस क्या हो रहा है, मैंने कहा जब फाइव चिल्ड्रन आते हैं तो एवरेज आपका इंक्रीज कर जाता है 48, मतलब 42 से 48 हो जाता है, सिक्स बढ़ जाता है, पांच लोगों के आने से एवरेज सिक्स बढ़ जाता है, तो सम कितना भी इफेक्ट पड़ेगा बताइए? आप बोलेंगे सर हर एक नंबर, हर एक बच्चा सिक्स लेके इंक्रीज किया होगा, सब छह बढ़ाए होंगे, यस सर 5 into 6। अच्छा ये सम में इफेक्ट पड़ा, एवरेज में कितने का इफेक्ट पड़ेगा? नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन से डिवाइड कर दीजिए, एन पहले था पांच लोग और आ गए, एन प्लस फाइव से डिवाइड कर दिया, ये एवरेज में बदलाव हुआ, ये एवरेज में बदलाव हुआ आने से, और ये एवरेज में बदलाव हुआ जाने से, 5 5 कैंसिल करके एन को एवरेज निकाल लीजिए, ठीक है? यस सर। ये देखिए अभी अभी तुम्हारा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वो नहीं आ पाया, देखिए इसको कर लीजिएगा एकदम बिल्कुल, मैं पीछे कराया हूँ, इसमें सिर्फ वाई की वैल्यू निकालनी है, जिसमें एक्स फाइव के प्लस सेवन वाई आया था वही वाला है। आप लोग बताइए अभी एक बार फिर ज्वाइन कर सकते हैं क्या 15 मिनट के लिए? यस सर, यस सर, हाँ बस खाली 10 मिनट, बस आपको 2-3 क्वेश्चन बचा है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, 10 मिनट लगेगा, उसके बाद आप लोग फिर से ओके सर, ओके सर। ये बताइए क्या होने का, अभी देखिए थोड़ा सा आप लोगों का एंटरटेनमेंट कराते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, आपसे कह रहा है कि एवरेज एट ऑफ 8 मेंबर इन अ फैमिली इंक्रीज बाय 2.5 अगर कोई रिप्लेस कर दिया जाता है, है ना, कह रहा है कि न्यू मेंबर कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम जिनका वजन 40 kg था, तो बताइए कि न्यू मेंबर्स क्या थे? अच्छा ये बताइए, एक लोग हैं, एक लोग को भेजा जा रहा है और एक लोग को क्या लाया जा रहा है, उनके जगह पर कोई दूसरा आ जा रहा है, तो एक को जाने से और उसके जगह पर जो दूसरे के आने से एवरेज में क्या फर्क पड़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एवरेज से ज्यादा है, हाँ वेट जो आए हैं उनका ज्यादा है, जाने कितना होना चाहिए और बताइए कितना होना चाहिए था, तो उसकी वैल्यू क्या आ जा रहा बताइए, तो सर 40 रहता तो एवरेज पे कोई असर नहीं पड़ता, हाँ ठीक है, हाँ क्योंकि 40 रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 40 उसका था जो गया है, अगर वो भी 40 का आ जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ा है, यानी ज्यादा था, कितना हो जाएगा 40 प्लस 2.5 इंक्रीज किया है ना,
बताइए, तो बता चुके हैं क्वेश्चन सिक्सटी के जी है सर, 40 + 2.5 × 8 ये हो जाएगा आपका। अरे मल्टीप्लाई करेंगे 60 होगा सर, 60 के जी है क्या? हाँ 60 आ रहा सभी लोगों का, देख लीजिए सभी लोगों कितना आ रहा है, 40 तो आपका होगा ही होगा, और आपका कितना इंक्रीज कर गया है? 2.5 मेंबर आपके, ये बताइए मेंबर कितने हैं आपके? 8 से चेंजेस हो नहीं रहे हैं, 8 × 2.5 ही रहेंगे ना। हाँ तो 8 × होगा ना? हाँ 8 × तो कितना हो जाएगा? 20 सही है, 17 होगा ना सर? 17 अभी हम आपको समझा रहे हैं, देखिए 40 + 20 = 60। अच्छा ये अभी कोई किसी को ये समझ में आ रहा है क्या? ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि किसी के माल कोई आ रहा है, फिर मान ले एक मेंबर आ रहा है, फिर ये उसके जहाँ पे कोई चला जा रहा है, मान ले एक कोई चलिएगा। देखिए ये रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका जो क्या होता है रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है, बहुत से लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे होंगे कि अगर कोई मान ले किसी की जगह पे कोई आता है तो कैसे बढ़ जाता है। ये चीज थोड़ा सा एग्जांपल समझिएगा, इसके एग्जांपल मैं समझाता हूँ आप लोगों को। ये बताइए जैसे आप हैं, आप लोग मान ले हैं, अभी तो आप लोगों का वो टाइम नहीं आया है, आप लोग कभी किसी रिश्तेदार में जाते हैं कि नहीं? आप किसी रिलेशन में अगर आप जाते हैं, मान लेते आप जा रहे हैं, मालिक कभी कभी देखा होगा क्या नाम है, जिनकी शादी वगैरह शुरू में हुई रहती है, तो जब वो अपने जाते हैं वहां पे क्या बोलते हैं उसको, तब ससुराल जब जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? बढ़िया से तैयार होकर जाता है वो अच्छे तरीके से, और मान ले 2-4-5 हज़ार रुपये रख लेते हैं वो जाएंगे। मान ले वहां पे आप पहुंचे और आपके पास सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि 5-4 लोग हैं, 4 सालियां वहां पे हैं आपकी, मतलब कल्पना कीजिएगा किस्मत है जहां पे जा रहे हैं हमारे 4 सालियां, मजा आ रहा है। हाँ देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको प्लीज, कॉन्सेप्ट के टाइम माइक म्यूट कर लीजिए, माइक ऑफ कर दीजिएगा, बहुत अच्छे समय कभी आपको भूलेगा। ये आपको बताना चाहता हूँ मैं कैसे आपका इंक्रीज करता है। आप मान ले 4 सालियां आपके पास है, आपने क्या किया कि 500 चारों को दे दिया, आप दे दिए जाहिर सी बात दे दिए। जब आपकी विदाई होती है, जब आप लौटते हो तो क्या होता है, जो आपके जो उनके घर में बड़े लोग जैसे कि ससुर हो गए या जो सास हो जाती हैं, वो क्या करती हैं कि वो भी क्या करती, पैसे देती हैं किनको, जो बहनोई साहब रहते हैं, तो क्या करता है वो करता है क्या, बोलेगा नहीं हमको नहीं चाहिए ना रहने दीजिए, मतलब क्या रखे रहिए आप, हमको जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी क्या करें, नहीं तो क्या करते हैं ना कि जैसे 500-1000 रुपये कुछ भी रहेगा तो उसके जेब में डाल देंगे, जबरदस्ती डालते हैं, तो वो देखेगा नहीं, जब डालेंगे तो देखेगा, माने डाल दिया तो देखेगा नहीं, चलो कुछ पैसा देखेंगे आपके ऊपर रहता है तो कुछ लोग बड़े माले सहस बड़ी साली आई वो भी उसके पैसे में डाल दी, तो बस मना मतलब मना करता रहेगा, चलो नहीं रहने दीजिए, तब भी वो डाल देती है। लास्ट में क्या करेगा, कुछ देखेगा कुछ पैसा आपका देखेंगे कुछ बाहर निकला रहता है, तो अंदर से क्या करेगा धीरे से इसको डाल देगा। अब काउंट नहीं करेगा, वो काउंट करता नहीं है, लेकिन जब जब चले माले अब विदाई हो गई, जब वो निकलेगा बाहर जब जाएगा माले गाड़ी से आ रहा है, तो तब निकालेगा पैसा वो, तब देखेगा जो होता क्या है, माले उसने पैसे निकाले तो 5000 वो लेके गया था, 5000 लेके गया था, देखा कि 7000 हो गया, कैसे ये बताइए कैसे हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि 2000 उसने दिया था, 2000 देने के बाद 2000 एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, गया कितना 2000 आया कितना 4000, बात समझ में आ गई, यही होता है इसी वजह, अब तक गया 2000 आया कितना 4000, तो ओवरऑल इंक्रीमेंट कितने का हो गया 2000 का। तो ये होता है रिप्लेसमेंट स्पॉन्सर, यानी कि कहने का मतलब है कि जरूरी है नहीं है कि एवरेज कैसे बढ़ जाता है, कि जो चीज जाती है तो रिटर्न में क्या हो सकता है उससे ज्यादा वैल्यू आती है, तभी ओवरऑल क्या करता है आपका इंक्रीज करता है। तो ये था एक तरीके से एग्जांपल था, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट था कि आप कैसे समझेंगे कोई चीज आन किसी के जाने से, और फिर जो है उसके जगह पर अगर कोई आता है तो इंक्रीज कैसे करता है, ये आपका एग्जांपल था, यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, मजा आया। और जैसे बाकी हमने बताया इस तरह से आप समझ सकते हैं, इस तरह से समझ लीजिएगा। चलिए इसको बताइएगा, ये बताइए क्या हो गया, अब की बार तो दिक्कत हो गई,
अब की बार आप देख रहे हैं कि 2.5 डिक्रीज कर गए, इसका मतलब क्या हुआ? 500 साल ही थी सर। मतलब ये हो गया कि अब की बार पैसा उनका, अब की बार पैसे तो ज्यादा दे दिए। 45 आंसर। अब की बार उनको मिला माइनस कर देंगे ना, 45 माइनस कर दे, अब की बार उसको कम मिला, क्या करेगा बेचारा। 45 देखिए आप, ज्यादा होगा तो यही होगा। आप ये बताइए 70 होता तो क्या तो सही था, माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा आपका, 10 मेंबर थे, 2.5। अब की बार फायदा नहीं हुआ, ज्यादा हो गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब जाइएगा तो थोड़ा सा मेंटेन करके जाइएगा, ऐसा नहीं लो 1000 तुम लो, 2000 तुम लो, 3000 तुम लो, अब लौटोगे तो जेब खाली, किराया नहीं रहेगा। कर देखिएगा इसको, बताइए क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, लगा दीजिएगा। कह रहा है एक, मैं कह रहा कि 7 बैग का जो प्राइस, राइस नहीं है प्राइस है ये, कह रहा है कि रेट कितना, 800 के रेट से 7 बैग खरीदता है और 8 बैग जो है ऑफ प्राइस दे रखा 100 ईच और 5 बैग्स और हैं उनका प्राइस इतना, जरा बताइए कि एवरेज कितना होगा। निकल जाएगा ना, ये सारे का कॉस्ट निकाल लीजिए। देखिए 8 रुपये पर बैग है, 7 बैग खरीदता है, कितना प्राइस हो जाएगा, 800 800, ये हो जाएगा 600। और 8 बैग है जरा बताइए उनका 1000 के हिसाब से कितना प्राइस हो जाएगा, ये निकाल लीजिए। और आपका देखिए 5 बैग्स हैं और 6000 अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल कितने हैं, टोटल कितने बैग थे, टोटल 7 + 8 = 15 और +5 = 20 ना, सॉल्व करो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ गया, 56 और 6 56 8 56 70 और 8000 970000 तो 8000 6000 14000 19600 ना, यही आ रहा है। अरे हाँ सॉरी, और 20 डिवाइड कर लीजिए कितना आ रहा है, देख लीजिए 1960 को 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 980 ये तो बहुत ही आ रहा है। टोटल प्राइस अपॉन टोटल नंबर ऑफ बैग से डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। इसको बताइएगा, क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है, जरा बताना क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कितने हैं, 18 इयर्स उनकी एज है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 20 न्यू स्टूडेंट अगर एडमिटेड हो जाते हैं, क्लास के अंदर आ जाते हैं, तो कह रहा है कि एवरेज इंक्रीज कर जाता है 6 मंथ्स। तो बताइए कि जो एवरेज ऑफ जो नए स्टूडेंट है उनका एवरेज कितना है, जो नए स्टूडेंट उनका एवरेज कितना होगा, ये आपको बताना है। आप हमको ये बताइए कैसे लगाया जाए, जरा बताना। 14 स्टूडेंट हैं, एवरेज है 18 सर, ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लो, और 40 स्टूडेंट प्लस 20 पॉइंट फाइव, ये दोनों अगर आ जाते हैं तो 18.5 हो जाता है ना। इसका ये बताइए, अगर 20 न्यू स्टूडेंट के आने से एवरेज 6 मंथ बढ़ जाता है, एवरेज 6 मंथ मतलब कि 0.5 ईयर बढ़ जाता है, तो पहले कितना एवरेज था आपका, 18 था, 6 मंथ बढ़ गया, 6 मंथ माने 0.5 ईयर, तो अब एवरेज कितना हो गया आपका, 18.5 हो गया। एक बहुत ध्यान समझिएगा इस बात को कि जो 20 स्टूडेंट हैं, 20 स्टूडेंट्स उनका एवरेज तो 18.5 तो होगा ही होगा, क्योंकि उनके आने से एवरेज अगर बढ़ा है तो 18.5 हुआ है, तो उन जो 20 स्टूडेंट थे वो 18.5 उनका एवरेज तो रहा ही होगा, रहा होगा बिल्कुल, इससे कम तो नहीं रहा होगा। लेकिन आप ये बताइए क्या 18.5 से भी ज्यादा है कि कम, ये कैसे पता चलेगा, ये बताइए। अगर उसके 20 लोगों के आने से, 20 लोगों के आने से अगर आपका एवरेज 0.5 बढ़ता है सर, इंगेज हुआ है, हाँ अगर बढ़ता है, तो उन्होंने जो पहले से 40 स्टूडेंट थे उनके सम में कितने का इंक्रीमेंट किया होगा, उन्होंने जो 40 स्टूडेंट पहले थे वो जब 20 एंट्री किए तो उनके आने की वजह से जो 40 स्टूडेंट था उसके सम में कितने का इफेक्ट पड़ा, ये निकालिए जरा। तुम 14 इंटू वो भी तो 0.5 इंक्रीज कर गया होगा,
14 into 0.5 यानी कितना इंक्रीज कर गया होगा 20 का 20 यानी जो 40 स्टूडेंट थे टोटल उनके सम में 20 का इंक्रीमेंट हो गया। एवरेज में कितने का इंक्रीमेंट हुआ जरा बताना। तो टोटल अगर 20 का इंक्रीमेंट कर दिए हैं 20 के आने से तो एवरेज में कितना बढ़ेगा 20 लोग आए हैं 20 लोगों के आने से आपके सम में कितने का इजाफा हुआ है 20 का तो 20 से डिवाइड कर दीजिए तो आप जाएगा एवरेज में इंक्रीमेंट आ जाएगा 1 इसी में 1 ऐड कर दीजिए। एक तरीका तो आपका ये हो गया। अगर ये अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ठीक है अगर नहीं आता तो फिर क्या करेंगे देखिए अगर नहीं आता तो ऐसे कर दीजिए 40 स्टूडेंट हैं टोटल शुरू में एवरेज 18 है तो शुरू में टोटल कितना जरा बताना 14 into 18 टोटल निकल जाएगा शुरू में 20 जब आ जाएंगे जरा बताइए कितने लोग हो गए 60 हो गए 60. एवरेज कितना हो गया एवरेज कितना हो गया 16 into 18.5 कितना जब मल्टीप्लाई करके बताइए तो उधर कितना है इधर मल्टीप्लाई करेंगे 720 आएगा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 1080 आ जाएगा और इसका हाफ कर लीजिए 30 कितना आ जाएगा 110 कितना हो जाएगा 1110 आ जाएगा है ना कितना आ जाएगा 1110 आ जाएगा। अब देखिए तो बाद में टोटल सम आप इतना आ गया पहले सम इतना था डिफरेंस निकाल लीजिए रहा तो कितना हो जाएगा 1110 और 720 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 80 मतलब हो जाएगा 800 यानी कितना आ जाएगा 390 का सर हाँ ये 390 क्या ये 390 20 न्यू स्टूडेंट का टोटल सम आया 390 जो आया है वो 20 न्यू स्टूडेंट का सम आया है तो उनका एवरेज कितना हो जाएगा 20 से डिवाइड कर लीजिए जल्दी से वाईफाई ऑन कर दीजिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बताइए इसमें कोई डाउट है दोनों में दोनों वाले में कोई डाउट है प्लीज रिपीट सर प्लीज रिपीट ठीक है। पहला मैंने क्या कहा मैंने आपसे ये कहा कि जो जो 20 न्यू स्टूडेंट हैं कह रहा है कि उनके आने से एवरेज 0.5 बढ़ गया यानी एवरेज कितना होगा 18.5 हो गया उनके आने से तो जो नया स्टूडेंट होगा ना पहले शॉर्ट मेथड देख लीजिए उसका एवरेज पहली बात हो तो 18.5 होगा ही होगा। अब हम ये देखते हैं कि उसके आने से 0.5 बढ़ा है जो बाकी के 40 स्टूडेंट थे उनके सम में कितने का इंक्रीमेंट हुआ। आप बोलेंगे 40 into 0.5 उनका हर एक का 0.5 बढ़ जाएगा तो 40 into 0.5 कर लीजिए यानी 20 इंक्रीज कर गया। 20 अगर इंक्रीज कर जाता है सम और 20 के और टोटल जो जो लोग आए थे कितने थे 20 थे तो 20 के आने से अगर सम 20 इंक्रीज कर रहा है तो एवरेज में कितने का इफेक्ट पड़ जाएगा 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 18.5 प्लस 1 कर देंगे 19.5 हो जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया कि शुरू में सम निकाल लीजिए 40 स्टूडेंट का 18 के हिसाब से सम क्या होगा 40 into 18 यानी 720। फिर मैंने कहा कि जब 20 लोग और आ गए तो 60 लोग हो गए और एवरेज आपका 18.5 हो गया क्योंकि 0.5 बढ़ गया तो शुरू में लास्ट में टोटल कितना हो जाएगा 60 into 18.5 करेंगे 1110 आ जाएगा। तो लास्ट में टोटल सम इतना आया पहले था 720 डिफरेंस निकाल लेंगे 390 आ जाएगा। ये जो 390 है ना ये क्या है ये 20 नए स्टूडेंट का सम है जो स्टूडेंट्स हैं नए उनका सम है 390। तो जब सम 390 है और 20 स्टूडेंट हैं तो उनका एवरेज निकाल नहीं लेंगे 390/20 19.5। आई होप सबको क्लियर होगा ठीक है। यस सर चलिए आज की क्लास आप लोगों की एंड हो जाती है यहाँ पे और एक सीट हमारी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी अब सीट तैयार हो गई है आपको जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी।